तो नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम अपेक्स स्कूल से आए हैं, आपके बच्चे अपेक्स स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी पढ़ते हैं। सर कितने साल हो गए उनको वहाँ पे पढ़ते हुए? लगभग 5 साल हो गए हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ते हुए। 5 साल हो गए। हाँ। तो कैसी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है उन बच्चों की आपके? बहुत ही अच्छी पढ़ाई है, बहुत जोरदार पढ़ाई है और वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं जो बाहर से बिलोंग रखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, इसलिए रेगुलर वही भी पढ़ रहे हैं। साल दर साल बच्चे अच्छे नंबर भी परसेंटेज भी अच्छे लेके आ रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज भी अच्छे आ रहे हैं। तो पढ़ाई पे मतलब उनका ध्यान दिया जाता है बच्चों पे? फुल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अगर थोड़ी बहुत ऊंची नीच हो तो हम टीचर को बोलते हैं तो टीचर वापस उस पर सुधार करते हैं। अच्छा, तो पूरा ख्याल रखते हैं। सर अभी मतलब स्कूलों में कॉम्पिटिशन का दौर भी बहुत जोरदार चल रहा है, हमने देखा है 5-6 सालों में इसने इतना प्रोग्रेस किया है कि बाकी स्कूलों से काफी बेहतर आगे साल दर साल बच्चे इन पर इनके स्कूल में आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं बाहर से, लगभग यहाँ से सभी स्कूलों में से टॉप पर भी चल रहे। तो मतलब स्कूल है मतलब अपना ऐसे बताते हैं, जब प्रमोशन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। चढ़ाने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे खुद में 6-7 बच्चे हमारे भाइयों के हमारे वो उसमें पढ़ते हैं, तो हम पढ़े तो उसका रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि स्कूल अच्छी है। अच्छा, मतलब आपके सारे बच्चे यही स्कूल में पढ़ते हैं? तो मतलब स्कूल में खेल ग्राउंड कैसा है, मतलब स्कूल में खेल की व्यवस्था है? फ्यूचर में पूरे फ्यूचर में 8-10 स्कूलों में सबसे टॉप ग्राउंड स्कूल इनका, यहाँ झूले लगे हुए बच्चों के खेले, क्रिकेट अलग है, बास्केटबॉल अलग लगा है, फुटबॉल अलग लगा, क्रिकेट अलग लगे हैं। हर चीज की सुविधा है, टीचर इतना अच्छा पूरा ध्यान देते हैं बच्चों पर, मतलब बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया स्कूल है ना? बहुत ही अच्छा है, बहुत यूनिक स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है। मैंने टीचर है, युवा टीचर एकदम फर्स्ट क्लास, इंग्लिश सिखाने में बहुत अच्छे है, मतलब सुधार हुआ है इंग्लिश के मामले में। अच्छा, मतलब टीचर से बाहर के हैं ना? टीचर बाहर जा रहे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी सिखाते हैं यहाँ पर। इंग्लिश भी बहुत बढ़िया सिखाते हैं, पैसों के मामले में कोई ज्यादा नहीं है, हिसाब से फीस है, कोई ज्यादा फीस भी नहीं है इनकी यहाँ पर। हाँ, वो नॉर्मल फीस है, नॉर्मल फीस है, मतलब इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ये फीस सही है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बहुत ज्यादा फीस। मतलब वहाँ पे आने जाने की व्यवस्था क्या है सर, बसों की? गाड़ियाँ लगी हुई है, दो दो आदमी लगे हुए एक्स्ट्रा बसों पर, गाड़ियों पर, ताकि बच्चों का ख्याल रख सके। अच्छा, मतलब बच्चों को अकेले घर नहीं भेजते, साथ में टीचर्स होते हैं, साथ में उनको रोड पार करवाते हैं, सब सुविधा घर तक पहुंचाते हैं और सेफ्टी पूरी ध्यान दिया जाता है ना। मतलब बच्चों को यहाँ पिकनिक वगैरह भी ले जाते हैं, ट्रेवल वगैरह? अच्छा, साल में एक बार जरूर ट्रेवल करवाते हैं बच्चों को, पिकनिक पे ले जाते हैं, अलग अलग टूर पे ले जाते हैं, कभी आगरा पे चले जाते हैं, कभी कश्मीर चले जाते हैं, कभी साल में एक बार टूर जरूर करते हैं। ये बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छे टीचर है और पूरा देखभाल है इसके अंदर। अच्छा सर, मतलब ट्रेवल वेवल सब करवाते हैं बच्चों? सब कुछ करवाते हैं, कोई गरीब बच्चा और उसके माँ बाप के पास नहीं है तो ये उनको एडमिशन भी दे देते हैं। हाँ, ये उसके कमाने के पैसे, पापा लायक नहीं हो तो उनको एडमिशन दे देते हैं, इनकी बहुत दरिया दिली है। अच्छा, मतलब ये अपनी तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। अच्छा सर, खाने की सुविधा, हर चीज की सुविधा है, आदमी रखे हैं, लेडीज रखी है। हाँ सर, स्कूल में पूरी पूरी सुविधा है, ये बेहतरीन है कि बहुत अच्छा स्कूल है, आप भी इन बच्चों को इसी स्कूल में एडमिशन करवाएं। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए। वेलकम।